साल 1775 पैसिफिक ओशन में मौजूद पिंजलैप आइलैंड पर एक खतरनाक तूफान आता है। ये तूफान इतना खतरनाक था कि पूरे टापू पर बस सिर्फ 20 लोग बचते हैं और बाकी सभी लोग मौत के हवाले हो जाते हैं। अब इन 20 लोगों में से जो बचे थे ना, उसमें से एक था उस टापू का राजा। लेकिन सिर्फ राजा अकेला नहीं बचा था, बल्कि उसके रिश्तेदार भी बचे थे। बट बात यहाँ पर यह है कि बिना प्रजा के राजा आखिर किस पर राज करे? और क्योंकि उस टापू में बस सिर्फ 20 लोग हैं, तो एक समय के बाद वो टापू बंजर और सुनसान जरूर हो जाए। तो इस समस्या के लिए राजा आखिर क्या करे? Well, काफी सारा सोच विचार करने के बाद राजा को एक समाधान नजर आया। उसने टापू पर मौजूद उसी के परिवार के हर एक महिला के साथ एक एक करके शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया और बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया। और फिर कुछ समय बाद जब रिसर्चर्स ने इनकी स्टोरी सुनी, स्टार्टिंग में तो किसी को बिलीव नहीं हुआ, बट ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दैट आइलैंड वाज एक्चुअली हेल्दी। बस सिर्फ एक दिक्कत थी, वो सभी के सभी कलर ब्लाइंड थे। उनमें से किसी को भी कोई कलर नहीं दिखता था। और आज इनकी पीढ़ी इस हद तक आ चुकी है कि पूरे टापू में मौजूद 30% पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड है। बट अगर देखा जाए तो इस टापू के रहवासियों में ऐसा कोई मेजर जेनेटिक फ्लॉ नहीं हुआ था जैसे इनब्रीडिंग में होता है, राइट? इनब्रीडिंग पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया जो आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हो, उसमें आपने ये जाना होगा। सो ये रिसर्च तो ये बताती है कि काइंड ऑफ रीपॉपुलेशन अर्थ का इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। बट इस रिसर्च में फिर भी 20 लोग थे, क्या अगर हम इन लोगों की गिनती को कम करके 20 के जगह पर 2 कर दे? पूरी दुनिया में समझ लो अगर सिर्फ 2 लोग बचे, समझ लो न्यूक्लियर वॉर हो जाए या फिर पृथ्वी पर कुछ सुनामी या आफत आ जाए, तो क्या ये 2 लोग मिलकर पूरे पृथ्वी को रिपॉपुलेट कर सकते हैं? Well, इसका जवाब है हाँ भी और ना भी इन स्पेसिफिक केसेस। लेट्स फाइंड आउट दोस केसेस। सो इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक्स एक फीमेल है और वाई एक मेल है। ये दोनों पूरे पृथ्वी पर अकेले कपल है जो जिंदा बचे हैं, जिनका कोई भाई बहन का रिश्ता दूर दूर तक नहीं है या फिर कोई और खून का रिश्ता। तो चलो एटलीस्ट हम यहाँ तक सेफली कह सकते हैं कि पॉपुलेशन 2 से 3 या मे बी 4 तो हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद होगी असली प्रॉब्लम शुरू। इन्हें जो बच्चे होंगे उनमें पॉसिबिलिटी है कि या तो वो सभी मेल हो या फिर फीमेल, मतलब उनके बाद के नेक्स्ट जनरेशन का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट चलो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली उन्हें मेल फीमेल दोनों बच्चे हो गए। बट यहाँ पर भी राहत की सांस लेने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इनके आने से प्रॉब्लम कम नहीं बल्कि बढ़ेगी। Well, ये प्रॉब्लम आखिर कैसे बढ़ेगी, इसे बड़े डिटेल में हमने अपने इनब्रीडिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद देखने वाले हो। पर अगर मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कराऊं तो इनब्रीडिंग यानी सेम ब्लड लाइन में शादी करना, और जैसे कि हम सभी जानते हैं ऑफस्प्रिंग में 50% जीन्स माँ से आते हैं और 50% बाप से आते हैं। और अगर दोनों पेरेंट्स से हमें रिसेसिव यानी कि डिसऑर्डर्स वाले जीन्स ट्रांसफर हुए, तो उससे जन्म लेने वाला बच्चा या तो पैदा होते ही दम तोड़ देगा या फिर उसकी पूरी जिंदगी वो एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ जिएगा। दैट मींस एक जनरेशन तो अच्छे से क्रिएट होगी, लेकिन वो जनरेशन आगे कोई जनरेशन को बढ़ा नहीं पाएगा। अब यहां पर आई वुड से कि यस, इनब्रीडिंग डेंजरस जरूर है, लेकिन ये 100% सही भी नहीं है। इसमें खतरा जरूर है, बट व्हाट वी मिस आउट ऑन कि ऐसे केसेस में बच्चों के हेल्दी होने के चांसेस भी होते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई साइंटिस्टों के अनुसार सभी इनब्रीडिंग के केसेस में एंड रिजल्ट डेथ या कोई मेजर फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि भले ही दोनों पेरेंट्स रिसेसिव जीन्स को कैरी कर रहे हो, फिर भी 75% चांसेस होते हैं कि ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट जीन्स ट्रांसफर हो और एक हेल्दी बच्चा पैदा हो पाए। अब पिंजलैप आइलैंड वाला ही केस ले लो, ज्यादातर बच्चे काफी हेल्दी थे, बस उनमें एक ही डिफॉर्मिटी थी, वो था कलर ब्लाइंड होना। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन काइंड ऑफ कंक्लूड कि हमारे वो एक्स और वाई कपल रिपॉपुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को कुछ माइल्ड डिफेक्ट्स जिसकी कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां जनरेशन टू जनरेशन पास जरूर हो सकती है। कोई ना कोई डिसेबिलिटी का आगे जाना तो बिल्कुल तय है, पर जेनेटिक्स के फायदे या नुकसान की गाड़ी को आगे बढ़ने से पहले, ये तो आप जानते हो कि हमें हमारे पेरेंट्स के सिर्फ अच्छे जीन्स ही नहीं बल्कि उनके बुरे जीन्स भी मिलते हैं। रिसेंट स्टडीज में यह पता चला कि जीन्स में बॉल्डिंग ये समस्या दोनों पेरेंट्स आती है, जिससे बचने के लिए इंडियन मैन हर साल 5,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जहां मेजॉरिटी ऑफ द स्पेंड बियर्ड ग्रोथ पर हो रहा है। और इन्हीं इलाजों से बचने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं मैन मैटर्स बियर्ड मैक्स, जिसमें है मिनोडॉक्सिल जो कि क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है, जो आपके बियर्ड के हेयर फॉलिकल्स में ब्लड के फ्लो को बूस्ट करके आपके फेशियल हेयर डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाता है। इसके साथ ही बियर्ड मैक्स आपके बियर्ड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट और नरिश भी करता है, जिससे आपके बियर्ड पैचेस की जगह पर नए बालों की ग्रोथ होती है, और सिर्फ 3 से 6 महीनों के अंदर ही आपकी बियर्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इनके प्रोडक्ट्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 0 साइड इफेक्ट्स के साथ अल्कोहल फ्री और नॉन इरिटेटिंग भी है। तो आप भी इस प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके परचेस कर सकते हो और
और मैन मैटर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचते हैं, बल्कि ये आपको फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी पैची बियर्ड से परेशान हो और थिकर बियर्ड चाहते हो तो आज ही बुक करिए फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब पहुंचाते हैं हमारे वीडियो पर, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो फेटल नहीं भी हो सकते हैं। और क्यों? वेल, बिकॉज ऑफ रिसेसिव जीन्स। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों यानी कि सबसे पहले एंशियंट ह्यूमन आर्डिपिथेकस रैमिडस की बात करें, जिनके बाद होमो ये स्पीशी आई, तो तब भी एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब दुनिया में सिर्फ दो ही लोग थे, एक मेल और एक फीमेल, और उन दोनों में हुए मेटिंग के वजह से ही इंसान आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तो फिर हम में कोई डिसेबिलिटी क्यों नहीं है? वेल, इसका सिंपल जवाब है वायरसेस। आई नो, वायरसेस सुनकर आपको 440 वोल्ट का शॉक लगेगा, लेकिन सभी वायरसेस हमें नुकसान ही पहुंचाए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो हमें स्ट्रांग रखने में भी मदद करते हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि बहुत सारे रिसर्चेस कहते हैं। हमारे डीएनए में 8% वायरसेस है जिसकी वजह से ह्यूमन इतने इवॉल्व हो पाए। तो देखो होता क्या है ना, वायरसेस ह्यूमन बॉडी में एंटर करते ही डीएनए में अपनी जगह बना लेते हैं, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाउ न्यू डीएनए मींस न्यू ट्रेट्स, न्यू characteristics, and that simply means evolution. In fact, कई साइंटिस्टों का तो ये तक मानना है कि अगर हमारे अंदर वायरल जीनोम नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर ह्यूमैनिटी बच ही नहीं पाती, और आप ये वीडियो नहीं देख पा रहे होते क्योंकि जब भी कोई वायरस बॉडी में मौजूद सेल्स के अंदर एंटर करता है तब एंट्री के वक्त ही उस वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ह्यूमन सेल्स के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ हाथ मिलाकर ह्यूमन सेल का एक हिस्सा बन जाता है। और सपोज करो कि एक बच्चे में वीक जीन्स है, क्योंकि मोस्टली वायरसेस वीक जीन्स को ही टारगेट करते हैं, सो इसका मतलब वायरल जीन उन जीन्स को रिप्लेस कर देगा। और अगर इस केस में रिसेसिव जीन्स ही रिप्लेस हो गए तो ना रहेगा वो प्रॉब्लमैटिक जीन और ना उत्पन्न होंगे उससे कोई प्रॉब्लम्स। इसका मतलब उस लिविंग बीइंग को आगे के कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, यानी इसका मतलब उसके आने वाले सभी जनरेशंस हेल्दी ही होंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या लगता है आपको मैमल्स के अंदर जिस प्लेसेंटा यानी वो प्लास्टिकी सा बैग जिसमें बेबी बड़ा होता है, वो प्लेसेंटा आखिर किसके वजह से आया? आज से 20 साल पहले साइंटिस्टों ने ERV डिराइव्ड, जो कि एंडोजेनस रेट्रोवायरसेस जीन है, उसे पहली बार ह्यूमन बॉडी और खास करके फीमेल बॉडी में आइडेंटिफाई किया। उस रिसर्च से ये बात सामने आई कि ह्यूमन प्लेसेंटा जिससे एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके बिना बच्चा यूटेरस में सांस तक नहीं ले सकता है, उसकी शुरुआत भी एंशियंट वायरसेस से ही हुई थी। और अगर ये बात सच हुई ना तो शायद सबसे पहला बच्चा इन एंशियंट वायरसेस की ही देन हो सकता है। बेसिकली वायरसेस इन्फेक्ट करने वाले सेल्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे सभी सेल्स एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक बड़ा सा इन्फेक्टेड शीट फॉर्म कर लेते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज अ वायरल इन्फेक्शन। अब हो सकता है कि पास्ट में जब एक एंशियंट मैमल इन्फेक्ट हुआ था, जब उसमें वायरस ने एक इन्फेक्टेड शीट बनाई, लेकिन वो शीट प्लेसेंटा थी जो हमारे लिए यूजफुल साबित हुई। लेकिन कई सारे एविडेंसेस से ये पता चला कि इस जीन के अडॉप्ट करने के बाद थोड़े बहुत ही एगलेइंग मैमल्स प्लेसेंटल मैमल्स में कन्वर्ट हुए हैं। So, अब चलो इंसानों का तो समझ में आ गया, बट what अबाउट एनिमल्स? What if अगर पृथ्वी पर सिर्फ दो ही एनिमल्स बचते हैं, क्या वो अपने पूरी प्रजाति को रिपॉपुलेट कर पाएंगे, या इंसानों के तरह ही वो भी इनब्रीडिंग के डिसऑर्डर्स का शिकार बनेंगे? Well, sadly, yes. अब डॉग्स को ही ले लो, भले ही डॉग्स में 25% इनब्रेड हेल्दी ही पैदा होते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। एनिमल्स में भी इनब्रीडिंग इंसानों की तरफ 50% अच्छी होती है और 50% बुरी। मतलब एक साइड पर इनब्रीडिंग इज इक्वल टू प्रोड्यूस एक्सीलेंट क्वालिटी एनिमल्स, और दूसरी तरफ इनब्रीडिंग इज इक्वल टू लॉस ऑफ अ जीन पूल व्हिच लीड्स टू एक्सटिंक्शन। अब 2018 में ही आपने सुना होगा कि वर्ल्ड के लास्ट में नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की केन्या में हुए वाइल्ड फायर में डेथ हो गई, और पूरे व्हाइट राइनो की स्पीशीज के सिर्फ दो फीमेल राइनो ही बचे, जो कि थी उसकी डॉटर और उसकी ग्रैंड डॉटर। अब ये तो ऑब्वियस है कि मेल नहीं मतलब रिप्रोडक्शन नहीं, यानी स्पीशीज का अंडर नॉर्मल नेचुरल सर्कमस्टेंसेस एक्सटिंक्ट होना तो तय है। बट लकीली साइंटिस्टों ने राइनो के स्टडी के लिए ऑलरेडी उसके स्पर्म्स को स्टोर करके रखा, और इसीलिए उन्होंने राइनो के फ्रोजन स्पर्म को उसके ही फैमिली मेंबर्स के एग के साथ फ्यूज करके बच्चा पैदा करने की कोशिश की। बट प्रॉब्लम ये था ना कि दोनों काफी ओल्ड होने के कारण काव्स को डिलीवर ही नहीं कर पाए। इतना पता होने के बावजूद भी साइंटिस्टों ने दोनों फीमेल में से एक फर्टिल राइनो के एग्स को एक्सट्रैक्ट किया और उसे राइनो के फ्रोजन स्पर्म के साथ फ्यूज करके दूसरे स्ट्रॉन्ग फीमेल राइनो में इम्प्लांट किया। सिंपल शब्दों में कहूं तो एनिमल सरोगेसी, जो इंसानों में बाय द वे काफी कॉमन है। एज पर द रिपोर्ट, अगर सरोगेसी के जरिए इनब्रीडिंग की जाए तो उसमें भी 45% चांसेस है कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी ना हो। बट देखा जाए तो ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ पॉसिबिलिटीज ही दर्शाती है। आज की
तारीख में किसी के पास भी दो इंसानों द्वारा पृथ्वी को रिपॉपुलेट करने का कोई सबूत नहीं है। जो है हमारे पास वो है सिर्फ थियरीज, जिससे कई सारे स्पेकुलेशंस किए गए हैं, और जिनमें से एक है 5500 रूल। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बनाए हुए 5500 रूल के अकॉर्डिंग 500 लोगों की पॉपुलेशन क्रिएट करने के लिए 50 इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है। और अब आप ही कैलकुलेट करो कि अगर लाखों करोड़ों की बात करें तो काउंट कितना होना चाहिए, या सिर्फ 98 इंडिविजुअल्स जिनका दूर दूर तक कोई फैमिली रिलेशन नहीं है वो भी आराम से अर्थ को रिपॉपुलेट कर सकते हैं। बट नाउ लेट्स कम बैक टू द पिंजलैप आइलैंड वाला केस। जैसे हमने उनके इनब्रीडिंग के किस्से में ये सुना था कि रिसेसिव जीन्स ट्रांसफर हुए थे जिसकी वजह से उनके ऑफस्प्रिंग्स कलर ब्लाइंड पैदा हुए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सबूत है कि पहले हमारे इतिहास में भी हमारे साथ ऐसा कुछ ना हुआ? मेरा मतलब है कि क्या सबूत है कि हमें रिसेसिव जीन्स नहीं मिले हो और कुछ डिसेबिलिटी से हम खुद ही पीड़ित ना हो? बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट ना, क्या ट्रेट हम में होने चाहिए थे जो हमारे पास नहीं है? इसका पता हम चाहकर भी कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि वो ट्रेट तो हमारे पास नहीं है। आई नो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग टू थिंक अबाउट दैट, बट अगर कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है ना कि हमारे एंशियंट एंसेस्टर्स अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकते थे, लेकिन डिसऑर्डर की वजह से वो जीन हम तक ट्रांसफर नहीं हो पाया और हमें उसके बारे में पता भी नहीं, एंड वी डोंट इवन केयर फ्रेंकली स्पीकिंग। बट इट्स डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग थॉट टू थिंक अबाउट। व्हाट डू यू गाइस थिंक? और भी कितने सारे ट्रेट्स और सुपर पावर्स हो सकते हैं जो हम गवा के बैठे हैं और हमें खबर भी नहीं। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले मैन मैटर्स में फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी बुक करना मत भूलना, और अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए स्टिल यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन परचेज देयर प्रोडक्ट्स। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।